पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मामले में पंजाब का एक बड़ा नेता गिरफ्तार होने वाला है। इस मामले में पंजाब के एक बड़े नेता का नाम सामने आया और पंजाब पुलिस बहुत ही शिद्दत से उस नेता को गिरफ्तार करने की तैयारियां शुरू कर चुकी है और बहुत जल्दी ही ये खबर सुनने को मिल जाएगी हमें और आपको कि पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में पंजाब के ही एक बड़े नेता को गिरफ्तार किया है। तो कौन है ये बड़ा नेता, इसके नाम का खुलासा कैसे हुआ है, एक एक बातें आपको बताएंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध की दुनिया से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे बता दें कि 29 मई 2022 यानी कि अब से 3.5 महीने पहले पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की उन्हीं के गांव के कुछ ही दूर के पास उनकी गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी और इस हत्याकांड में गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली थी कि विकी में दुखेड़ा की हत्या का बदला था सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड और इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी गैंग लेते हैं। हालांकि इस खबर के सामने आने के बाद जहां पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई और दिल्ली पुलिस पंजाब पुलिस मिलकर इस मामले में जितने भी बदमाश शामिल थे यानी कि 23 से ज़्यादा बदमाश अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, तो वहीं अब जब इस केस में सभी बदमाश जो दिखाई दे रहे थे वो गिरफ्तार हुए जिनके नाम सामने आए थे, तो अब इस केस में और नया नया खुलासा हो रहा है। तो दीपक मुंडी आपको याद होगा सिद्धू मूसेवाला केस का आखिरी शूटर कहा जाता था, जिसे अभी नेपाल में गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन में उसे यहाँ पर लाया गया, उसे कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद जब उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई तो उसने एक बड़े नेता का नाम कबूला है। तो दीपक मुंडे ने इस बात का खुलासा किया कि पंजाब का एक बड़ा नेता भी इस मामले में शामिल है। तो हालांकि उस नेता का नाम अभी तक पुलिस ने उजागर नहीं किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि जब गिरफ्तारी उसकी हो जाएगी तो इस नाम का ऐलान भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आपको सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सिद्धू के पिता बलकौर सिंह का वो बयान याद होगा जिसमें वो लगातार ये दावा कर रहे थे, बार बार ये कह रहे थे कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में जो गैंगस्टर गिरफ्तार हो रहे हैं वो सिर्फ एक मोहरे हैं और इसके पीछे, पर्दे के पीछे तमाम वो सफ़ेदपोश लोग हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं और सफ़ेद कपड़े पहनकर चलते हैं, जनता में उनकी अच्छी खासी इमेज है और उस इमेज को बरकरार रखने के लिए वो ऐसे गैंगस्टरों, ऐसे बदमाशों का सहारा लेते हैं। तो अब दीपक मुंडी के इस खुलासे के बाद सिद्धू मूसेवाला के पिता का वो दावा अब सच साबित होता दिखाई दे रहा है और ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी ही इस मामले में वो नेता भी गिरफ्तार हो जाएगा। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शिरोमणि अकाली दल के एक पूर्व मंत्री के भतीजे का भी नाम सामने आया था और ये भी दावा किया गया था कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए उसने शूटरों को हथियार उपलब्ध करवाए थे। साथ ही मनीर राइया और मनदीप तूफान जो भी हाल में गिरफ्तार हुए हैं वो भी अपने कोठी पर उन्हें पनाह देने में कहीं ना कहीं उसका नाम सामने आया था। तो इंतजार है उस वक्त का जब पंजाब पुलिस उस बड़े नेता को गिरफ्तार करेगी और वो बड़ा नेता किस तरह के खुलासे करता है, तो ये जरूर जानकारी जो निकल कर सामने आई है दीपक मुंडी ने जो खुलासा किया है उसके दावे में, उसके खुलासे में अगर थोड़ी भी सच्चाई है तो गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के उस दावे को कहीं ना कहीं अब झूठ मानना होगा जो दावे अभी तक ये दोनों ही बदमाश करते आए हैं। एक बात तो और कही जा रही है दीपक मुंडी के इस खुलासे के बाद, अगर मनप्रीत मन्नू गुस्सा और जगरूप रूपा का एनकाउंटर नहीं हुआ होता तो शायद बहुत पहले ही ऐसे कई नामों का खुलासा हो चुका होता जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में कहीं ना कहीं सामने थे। तो आपका क्या कहना है, क्या पंजाब का कौन सा नेता वो हो सकता है, किस पार्टी का हो सकता है? हालांकि अभी उसके नाम का, पार्टी के नाम का खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि पंजाब पुलिस बहुत जल्दी उसे गिरफ्तार करके और पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने इन सब नामों का खुलासा करेगी तो कुछ कहना सही होगा। बहरहाल हम तो यही उम्मीद करेंगे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जितने भी लोग शामिल हैं उन सब की गिरफ्तारी हो और उन सब के खिलाफ जो है कानूनन जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाए। फिलहाल आपका इस मामले में क्या कहना है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और बता सकते हैं कि आखिर वो नेता कौन हो सकता है। तो इस खबर में इतना ही, तो बने रहिए BDF न्यूज़ के साथ, आपको इस मामले से जुड़ी पल पल की अपडेट हम ऐसे ही देते रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप जिस तरह से हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, वैसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और जो हमें चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए BDF न्यूज़ और खुश रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। नमस्कार।